आप देख रहे हैं सैफे बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर एक दीपवीर सपूतों के नाम की घोषणा पर 26 जनवरी को सैफे के घंटाघर चौक पर युवाओं ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सपा के आह्वान पर दिल्ली में इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का स्थान बदलने के विरोध में दीपक जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुलायम सिंह यूथ विग्रेड के राष्ट्रीय सचिव अंकित यादव ने लगभग 2 दर्जन युवाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। साल 1972 में शहीदों की याद में दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई थी। इसे पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में जलाया गया था, लेकिन आज उसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक में मिलाने पर समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। साल 1972 से हर साल राष्ट्रीय महत्व के दिन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय करने पर नेताओं और पूर्व सैनिकों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। इस अवसर पर इंजीनियर अंकित यादव, डॉक्टर अमन अंसारी, गौरव यादव, शिवम सैनी, शाहरुख खान, डॉक्टर सोहेल दानिश, डॉक्टर मोहम्मद आजम, धीरज कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम इंजीनियर अंकित यादव है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव ईस्ट ब्रिगेड का। अंकित जी, ये जो आज ये दीप जला रहे हैं आप, क्या कार्यक्रम है आज? ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति को फिर से जलाएंगे। इसी क्रम में एक दिया शहादत के नाम कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें जिस प्रकार अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है। कहाँ की अमर जवान ज्योति बुझाई गई? अमर जवान ज्योति दिल्ली की थी। ये तो कहा जा रहा है कि नेशनल वार मेमोरियल में इसको शिफ्ट किया गया है। ये एक दुख भरी घटना है। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो शहीद हुए थे या फिर एंग्लो अफगान वार के जो शहीद हुए थे, उनके परिवार के साथ में ये एक गुनाह है। और जिस तरीके से ये शहादत को बदनाम करना चाहते हैं और इनके स्वाभिमान के ख़िलाफ़ है ये। जिस तरीके से जब कोई शहीद के साथ इस तरीके का अन्याय किया जाएगा, इससे इनकी मानसिकता पे सवाल उठाना लाजमी है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या रहेगा, क्या ये रणनीति? हम लोग पूरे देश भर में आज इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, एक एक दिया जला के हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज़ में मिला रहे हैं। और मैं उनके हाथों को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं, ताकि जब उनके पास ताकत होगी तो अमर जवान ज्योति को हम लोग फिर से जलाने का काम करेंगे। ये देश का स्वाभिमान है और देश के स्वाभिमान पे हम लोग आँच नहीं आने देंगे। सर, मेरा नाम डॉक्टर अमन अंसारी है। अमन अंसारी जी, दीप जलाए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला? सर, हम सारे डॉक्टर्स हैं और जितने भी हमारे देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, जो पिछले साल कोविड में भी शहीद हुए हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स और हमारा पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ थे। और अब जो हमारे देश के जवानों की स्थिति है और जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, हम एक ये दीप जो है उनको हम ये समर्पित करते हैं कि भाई उनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये देश हमारा है। आज 26 जनवरी को उपलक्ष्य में हम लोग इस चीज़ को इसके कर रहे हैं सर। हम लोग